एवरीवन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च, कल एक्सपायरी सो लेट्स प्लान। सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कल आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे अगर आज आपने यहाँ बाइंग की होती है, यहाँ बाइंग की होती है, यहाँ पर बाइंग की होती है। ठीक है, सब कुछ उस हिसाब से निर्भर करता है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, अगर कल गैप अप हुआ तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट एक रिटेल ट्रेडर या जो मास ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे? वो एग्जिट करेंगे, और अगर वो एग्जिट करेंगे तो किस टाइप की कैंडल्स बनेंगी? रेड कैंडल्स बनेंगी। क्लियर? सो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर गैप अप हुआ तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्लियर। अब एक और सिचुएशन बताता हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है तो हम क्या करेंगे? अब प्राइस बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पर ओपन होती है तो थोड़ा सा ना मार्केट भगाता है, साइडवेज करता है। जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज जाने दो फिर ब्रेकआउट देने दो, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो फ्लैग पैटर्न के बाद ये रेंज पूरी निकल जाएगी एंड मार्केट में एक अच्छा खासा, जैसा ये टर्न अराउंड आया ना, इस टाइप का आ जाएगा। कल आई गेस आरबीआई पॉलिसी भी है, सो उसके हिसाब से भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। तो जो क्वांटिटी है उसको चेक में रखना, अंधी क्वांटिटी मत उठाना, वो तो वैसे नॉर्मल डेज पे भी मत उठाना, बट कल थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है, ट्रेड करना है, ट्रेड से नहीं भागना, बट क्वांटिटी को चेक में रखना है। ओके, अब एक और सिचुएशन बताता हूँ, अगर प्राइस यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक बार एसडीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। सो एसडीएक्स निफ्टी और डाउ जोन्स अगर लेट से इसके आसपास ही बंद होते हैं, ठीक है, अगर आप हिसाब देखोगे, अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बंद होते हैं तो कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 0.25% से लेके 0.3% डाउन खुले। ठीक है, ये एक पहली चीज़ है। अब अगर मार्केट डाउन खुलती है तो जो ट्रेडर्स यहाँ घुसे हैं, यहाँ घुसे हैं, यहाँ घुसे हैं या यहाँ घुसे हैं, ये सबसे पहले एग्जिट मारेंगे। ठीक है, और जब ये एग्जिट मारेंगे तो क्या होगा, रेड कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस इज कि ये आया एक मूव, अब ये मूव ये नहीं कहता कि यहाँ से डाउन मूव ख़त्म हो गया है या फिर ये जो एग्जिट था, मतलब जो बेसिकली ये जो मार्केट नीचे आई थी फिर ऊपर आई, ये ख़त्म हो गया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कभी कभार प्राइस क्या करती है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो वापस उसी रेंज पे लेके जाते हैं प्राइस को जहाँ से उन्हें वापस गिराया था। ठीक है, वाई, जस्ट टू सी कि उस जगह पर अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स बाय करते हैं या नहीं। ठीक है, उनका बेसिकली एम होता है इस लेवल पे उनसे बाय करवाना, अगले दिन मार्केट गैप डाउन करती है, कुछ भी करती है, वहाँ पर वो अपने शॉर्ट्स बनाते हैं, बिकॉज वीक प्लेयर्स जो होते हैं वो भागते हैं। ठीक है, मेरे पास भी आज एक ईमेल भी आई थी और किसी ने कॉमेंट पर भी मेरे को लिखा था कि सर मैंने पुट बाय कर रखी है, उन्होंने अराउंड जो मुझे लगता है 1:30 बजे पूछा होगा या 2 बजे पूछा होगा, तब तक मार्केट यहाँ पर कहीं थी, उन्होंने तब पूछा कि पुट होल्ड करके रखें। तो इस टाइप के लोग बहुत सारे हैं जो कॉल होल्ड करके रखेंगे, पुट होल्ड करके रखेंगे, उनको क्लू नहीं, उनको नहीं पता उनको एग्जिट कब करना है, उनको ये चीज़ नहीं दिखती है कि यहाँ पर मार्केट लोअर लोज बना रही थी, अब यहाँ से मार्केट ने कॉन्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर आप बाय नहीं कर रहे हैं तो सेल भी मत करिए। ठीक है, सीधा सा भी होता है, अगर इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डू नॉट डू एनीथिंग। मैंने भी आज जो पैसा कमाया है इसी में कमाया है, मैंने ये ट्रेड नहीं किया आज। ठीक है, मैंने ट्रेड नहीं किया आज, ऑल राइट, तो मैंने इसमें कमा लिया, आई वॉज आउट, आई वॉज गुड, मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया, मैं निकल चुका था। ठीक है, क्लियर है। मैंने आज एक चीज़ इन्फॉर्म भी की थी कि क्लियरली अगर 520 से लेके 530 के बीच में मार्केट घूमती है या फिर आपको एक मौका देती है तो इधर आपको एक सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकते हैं, और मार्केट एक्चुअली गई है। ठीक है, आपको डिसेंट मूव दिया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी हो रही है। ठीक है, क्लियर है। सो अब आप, मैंने आपको क्या प्लान बताया, एक बताया गैप अप का, एक बताया सिमिलर एरिया, एक बताया गैप डाउन। सो सिमिलर एरिया आपकी सबसे बेस्ट बेट है, अगर मार्केट इसके आसपास खुलती है और मार्केट थोड़ा हैमर बनाती है, इस टाइप की कुछ रेंज प्लानिंग करती है और फिर ब्रेकआउट देती है तो बहुत मज़ा आएगा। और आपने किस चीज़ का ध्यान देना है मैं आपको समझा देता हूँ, आपने अगर मार्केट सिमिलर लेवल्स पे ओपन होती है तो आपने ध्यान देना है इस लेवल का। ठीक है, ये लेवल कहाँ से कहाँ तक आएगा, 19625 से लेके 600, ये जो लेवल है ना, यहाँ पर मार्केट थोड़ा घूमेगी और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो यहाँ से ब्रेकआउट देगी, बहुत तगड़े वाला। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव आएगा, ये आपने ध्यान देना है। अगर मार्केट इसके पास खुलती है, कुछ करती है और रेड कैंडल बनाती है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट में सेलिंग चालू हो जाएगी, बिकॉज जो लेट बायर्स है वो एग्जिट करेंगे, जो यहाँ पर है उनके प्रॉफिट कम होते दिखेंगे, वो एग्जिट करेंगे, धीरे धीरे सब एग्जिट करना चालू करेंगे एंड रेड कैंडल्स बनना चालू होगी, दोबारा मार्केट कहाँ पर आ जाएगी, अपनी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा मार्केट यही, इसी तरीके से मार्केट चलती है। अगर आपके, आपको एक आसान शब्दों में लेवल्स चाहिए तो
ये रहा आपका हिसाब, 19580 से लेके 19560 वो लेवल है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ खुली और एकदम से नीचे गिर गई तो चांसेस हैं कि यहाँ पर सेल ऑफ आएगा और मैं यहाँ पर सेल का प्लान करूँगा, ठीक है, मतलब पुट बाय करूँगा मैं यहाँ पर, ओके। और अगर मार्केट यहाँ कहीं रहती है तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, वेट एंड वॉच मोड में रहूँगा मैं। और इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट की, थोड़ा एक मतलब एक जोन बनाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे या कुछ दे, क्योंकि गैप अप पे सेलिंग बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये प्लान बहुत ज़रूरी है, ओके। सो ये है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान निफ्टी का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप निफ्टी में देखेंगे, एक बार मैं एक चीज़ और आपको बता रहा था, अगर आप निफ्टी में एक चीज़ देखेंगे डेली चार्ट में, प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने रिकवरी बहुत अच्छी दी है, आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दी है, ओके। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए ऊपर एज पर जो चार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं क्लियर एक हैमर कैंडल बनाई है। सो आपके ये जो 45,000 का लेवल है, अब इसके ऊपर से मार्केट को बाइंग देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आ गया है। अब जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि 45,100, 45,50 और ये सब लेवल्स हैं, अब कहीं ना इससे स्ट्रेंथ निकल के 45,000 में आ गई, क्योंकि अब ये हैमर कैंडल बन गई है, नीचे रिजेक्शन आ चुका है, राउंड नंबर है वो भी बड़े वाला, ठीक है। इसके ऊपर अगर प्राइस शिफ्ट होती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट लेवल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कौन पावर में था, मार्केट नीचे गई, उसके बाद क्या कर रही है, यहाँ पर हायर लोज बना रही है, हायर हाइज बना रही है, एंड देन मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेक दिया, इसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, जो उसका डे हाई था उसको क्रॉस नहीं किया है उसने, उसके अंदर ही है। सो अब आपका ट्रेड प्लान कहाँ बनता है, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ये जो एरिया है आपका, ये आपका 45,000 का जोन। सो अगर प्राइस लेट्स से यहाँ पर ओपन होती है, थोड़ा साइडवेज जाती है, फिर ब्रेकआउट देती है, तो ये एक ब्लाइंड बाय है, SL आपका इसके नीचे रहेगा, आपने ट्रेड करना है इस ब्रेकआउट को, क्योंकि यहाँ पर एक शिफ्ट मिल रहा है आपको, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, तो अगेन वही निफ्टी वाला प्लान अपन ट्रेड करेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, पहला टारगेट यहाँ होगा और उसके ऊपर 45,100 का, देन 45,300 का टारगेट, ठीक है। तो ये एक सीधा हिसाब होगा अपना, ओके, 45,000 का ये वाला टारगेट है, ओके। तो ये बेसिकली 100 पॉइंट के करीब की आपको रेंज मिल सकती है यहाँ पर पहली ट्रेड पे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो। अगर प्राइस अगेन मैं समझा रहा हूँ, यहाँ खुली, यहाँ खुली, यहाँ खुली, बेसिकली इसके 50% के नीचे कहीं खुलती है ऐसा, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे प्राइस को चेक करेगा कि यहाँ प्राइस क्या करती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ आपके फेवर में होगा, उसके बाद भी मार्केट कुछ उल्टा ही कर देगी, ओके। तो इस चीज़ का हमेशा दोनों तरफ माइंडसेट अपना क्लियर रखना है आपने। तो प्लान सिंपल है, 45,000 इज़ योर जोन ऑफ अटैक, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करती है, थोड़ा टिकती है, ऊपर निकलती है, ब्लाइंड बाय है ये, ओके। दूसरी चीज़, अगर प्राइस यहाँ पर कहीं ओपन होती है, एक जोन बनाने दो, निकलती है, तो आपका टारगेट होगा 45,000 का पहला, देन 45,100 एंड देन 300, ठीक है, ऐसे करके आपके टारगेट्स हो जाएंगे। अगर प्राइस आप लेके चलो, मैं एक बार 50% की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्राइस इस जोन के नीचे ट्रेड करती है, जो कि 44,800 का जोन है, इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करती है, लोअर हाइज बनाती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करूँगा एंड मेरा पहला टारगेट होगा 44,600 का, बस ये मेरा प्लान रहेगा। ऊपर नीचे और साइडवेज दोनों पर मैंने आपको प्लान बता, तीनों पर आपको प्लान बता दिया, इसी चीज़ को हमको फॉलो करना है, इसके अलावा और कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए हमारा, ओके। आई होप दिस हेल्प्स, मैंने आपको 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पे बता दिया, जो लोग एक मिनट वेट करते हैं, कुछ करते हैं, 15 मिनट का ज़रूर ओपन करके रखिएगा और वहाँ से आप एक मिनट पर शिफ्ट करिएगा, एक मिनट से 15 मिनट पर मत करिएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। हमेशा ऊपर से नीचे जाना चाहिए, ज़्यादा आसान होता है। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।